जोशीमठ में भूत हसाव की घटना के बाद से कड़प्रयाग, बहुगुड़ा नगर और सीएमपी बैंड और सब्जी मंडी के ऊपरी भाग में रहने वाले 50 अधिक परिवार अभी भी दहशत में हैं। यहां मकानों की दीवारों और आंगन में मोटी मोटी दरारें पड़ गई हैं, साथ ही मकानों की छत में भी दरार पड़ चुकी है, जिसके चलते यहाँ रह रहे लोगों को बरसात के समय रातें गुजारना मुश्किल होता जा रहा है। बता दें कि बीते 2 साल से बहुगुड़ा नगर के इन मकानों में मोटी मोटी दरारें पड़ रही हैं। अब लोग किसी अनहोनी की आशंका के बीच अपने मकानों को छोड़ना शुरू कर दिए हैं, जबकि अधिकांश परिवार खौफ के साए में टूटे मकानों में ही रहने को मजबूर हैं। भू धसाव के बाद से भी प्रशासन और आपदा प्रबंधन की ओर से सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किए गए हैं। चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। मंडी के कारण ये हमारे मकानों पे जो ये भू धसाव आ रहा है, उनके जो डे नाइट जिसमें ये जेसीपी लगी है उनके वाइब्रेशन से हमारा मकान हिल गया है और आज ही हमको ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मंडी में तमाम पेड़ थे, लाखों पेड़ इन लोगों ने काटे और जिससे उसकी जड़ों से भी हमारा मकान हिल गया। 1 करोड़ मिट्टी खुदाई और 1 करोड़ में इनकी मिट्टी की खाली खुदाई हुई। इनमें इनके हमने इनको जेई और एई सबको सूचित किया था कि ये जगह संवेदनशील है, इस पर छेड़छाड़ न की जाए, लेकिन इन्होंने माना नहीं। ये डे नाइट जेसीपी लगाते रहे और इसको काटते रहे।